असल नाजरीन मैं हूँ कुरबान बलोचर मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को नए सिरे से संवारेंगे जो कुछ हुआ माजी में हुआ सारे सिस्टम पर और पाकिस्तान के मफादा पर कुल्हड़ा फेरा गया कुछ भी हो वो दिन भी दूर नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ जो कुछ अभी बोल रहा है बात कर रहा है ढकी छुपी पर्दे के पीछे कपड़े में लपेट कर कर रहा है मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं है कि वो फट पड़ेंगे पंजाब मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये है कि वो जमात समझती है कि उसके जेब में है बलोचिस्तान के पी के के हवाले से भी उनको फिक्र नहीं है सिंध में मुस्लिम लीग नून ने जो इकदाम उठाए हैं उस पर भी ज़रूर बात करूँगा कि वहाँ जमात दो हिस्सों में क्यों बटी हुई है एक हिस्सा सियासी है और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतबाद तौर पर काम करने की ख्वाहिशमंद तो है लेकिन उसमें जो मुजरम फैक्टर है उसको प्रमोट क्यों किया जा रहा है क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतबाद वो मुस्लिम लीग होगी जिसमें मुजरम या मुलिम एज अ पार्टी क्यादत करेंगे आज मियाँ नवाज शरीफ श्यालकोट पहुँचे ख्वाजा आसफ़ का हल्का है उसके डेरे पर पहुँचे उन्होंने आ, खिताब किया और उसके बाद चैम्बर्स ऑफ कामर्स को भी खिताब किया आ, उन्होंने नाइन्टी थ्री से लेके अभी तक पाकिस्तान में जो कुछ हुआ ख़ास करके उनकी जमात के साथ उसके साथ वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं आ, जो वो बात करना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि दरगुजर करें पाकिस्तान कीमती है समझ जाए कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया गया अब ये पॉसिबल नहीं है आ, कहता है कि हम जिम्मेदार हैं अब वाकई खुद ये जिम्मेदार हैं सियासी कायदीन सियासी हुकूमतें जिम्मेदार हैं या कोई और जिम्मेदार है जिसका नाम मैं नवाज शरीफ फिलहाल लेना नहीं चाहता लेकिन उसके जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके जो अल्फाज हैं उसका चेहरा बताता है कि उसके दिल में बहुत सारे राज हैं जिस के हवाले से कभी न कभी वो फट पड़ेगा लेकिन जो सूरत बनती जा रही है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून में एक और बयाना है वो भी परवान चढ़ रहा है आ, वो लोग जो मुस्लिम लीग नून से आ, मिले हुए हैं या मुस्लिम लीग नून में हैं या वो किरदार जो मुस्लिम लीग नून से कोई न कोई मीडिया के हवाले से या किसी और हवाले से वास्ता है वहाँ आवाज़ एक ये उठ रही है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज़ शरीफ ओके तजर्बेकार हैं वम रहे मुल्क की बाकी जो मामलात हैं उनको जानते हैं लेकिन एक राय ये आ रही है कि उसको अब आने वाले इकदार भी नहीं आना चाहिए वो पार्टी संभालें ऐसा क़ायद बैठें और जो हुकूमत बने मुस्लिम लीग नून की यकीनी तौर पर तासर तो यही है कि वही उसकी हुकूमत बनने जा रही है वो उसको देखभाल करे उस पर नजरदारी करे लेकिन वजारतजमा किसी और को मिले इसके लिए जो नाम लिया जा रहा है वो मरम नवाज का लिया जा रहा है बाकी तो पार्टी से हटकर या पार्टी खानदान से बाहर का तो कोई सोच भी नहीं सकता और यही मेरे ख्याल में फैक्टर है कि पहले चौधरी निसार पार्टी से अलग हो गए फिर शायद खाका नब्बासी मुफ्ता इसमाइल और कुछ और किरदार है जो पार्टी से के का हो गए अब ये एक नई सोच नया बयान परवान चढ़ रहा है और ये ख्वाजा आसफ़ साहब और बाकी जो कायदीन हैं वो इस हवाले से अभी खामोश हैं उनका कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा लेकिन कोई ना कोई न किसी न किसी की ज़बान से वो अल्फाज उठा के वो बोल रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ को आने वाले इंतबा की रोशनी में वजारत उस्मा का उदा नहीं संभालना चाहिए मर्रम नवाज को आना चाहिए एक ये पार्टी में सोच है और ये बयाना पार्टी में बेचा जा रहा है इसका अमल दखल कितना होगा इसका असर कितना होगा वो तो आने वाली बात है मैंने जैसे इंट्रो में कहा बाकी तीन सूबे मुस्लिम लीग अपने आप को कम्फर्ट और महफूज तस्वर कर रही है सिंध के हवाले से मुस्लिम लीग नून का एक दौरा उसकी क्यादत का या रहनुमाओं का हो चुका अब एक छः रुकनी कमेटी बनी है जो सिंध में मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों की जो एडजस्टमेंट एज, है इंतबात के हवाले से आने वाली हुकूमत के हवाले से मुकरत करेगी या बातचीत करेगी और जरा कहते हैं कि एहसन इकबाल उस कमेटी में शामिल है ख्वाजा साद रफ़ीक है और बशीर मेहमद साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं ज़ाहद आमिद हैं अयाज़ अमीर हैं सॉरी मेरे ख्याल में वो जो सबक इस्पीकर हैं कौमी इसम्बली के आया सादिक वो हैं और इसके साथ साथ शामुन शाह इस कमेटी में शामिल हैं इसका मतलब है कि पार्टी को अभी भी ऐसे रहनमाओं की ज़रूरत है जो सिंध में सियासी सूझबूझ रखते सिंध में शामुन शाह एक सियासी किरदार अभी भी पार्टी के लिए अदा कर रही हैं मेरी इतलात के मुताबिक पिछले दस पंद्रह रोज़ों से उन्होंने सियासी अगर मुलाकातें की हैं तो वो शामुन शाह ने किए हैं जी एम सैद के ख़ानदान से उनकी ना सिर्फ रिश्तेदारी है उनकी मुलाकातें हुई हैं से जलाल शाह से मुलाकात हुई है जेन शाह से मुलाकात हुई है और पिछले हफ्ते हैदराबाद में उसकी डॉक्टर कादिर मक्सी से मुलाकात हुई है और उसके अलावा बाकी कुछ किरदार हैं जो सियासी लोग हैं जिनको सियासी समझा जा रहा है उनसे ये मुलाकात उनकी हुई है आ, कल मेरी इतला के मुताबिक कुछ और मुलाकातें दोबारा इन्हीं अशखास से होने जा रही हैं शामु कुरे शामु शाह की अब उसके बाद नतज सामने आ रहे हैं लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो सूरत हाल वहाँ सिंध में जी डी ए की या जो कांग्रेस जमातें हैं उनकी बनी हुई है वो ये है कि ये सोच है कि जी डी ए मुस्लिम लीग नून में क्यों शामिल हो या उसका इतिहादी क्यों बने पिछले इंतबात के नतज उनके सामने हैं और उसके बाद उन ये भी सोच है कि मुस्लिम लीग नून जैसे पिछले इंतबात में वहाँ से कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जी डी ए कुछ नशस्तें हासिल कर सकी उसके बाद आ, पाँच साल मुस्लिम लीग ने मुड़ कर सिंध में नहीं देखा अब क्या ज़मानत है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून कुछ सीटें हासिल करे ना करे जी डी ए को क्या गारंटी है कि सिंध के मफादात के हवाले से उनके इंतबात के हवाले से लेवल जो लेवल प्लेंग फील्ड के हवाले से जी डी ए कोई जमानत चाहिए और जी डी ए ने ये बात पिछली मीटिंग में की और उसके साथ साथ जी डी ए के रहनमाओं का यह भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून सिंध के जो मफादात के हवाले से क्लियर कट अपना मौकुफ़ लोगों के सामने सिंध के अवाम के सामने पेश करे क्योंकि आगे चलकर अगर हुकूमत बनती है मुस्लिम लीग नून की मुस्लिम लीग नून किसी मुतनाज़ा डैम की बात करती है सिंध के मफादात के खिलाफ कोई इकदाम उठाती है तो फिर जी डी ए या उसमें शामिल जमाती हैं उनकी पोजिशन क्या रहेगी इस हवाले से जो मशरूत उन्होंने इंडिकेशन दिया है नू लीग को कि पहले उस वो सिंध के हवाले से सिंध के मफाद के हवाले से पोजिशन वाज़े करें उसके बाद जी डी ए फैसला करें और दूसरा नुकता ये है कि जो कांग्रेस जमातें हैं सिंध में जैनशाह एस यू पी डर मक्सी की जमात अयाज़ पल्ली जो और कुछ और जमातें उनके पास सोच ये है कि पहले वो जमातें आपस में मिल जाएँ इकट्ठी हो जाए उसके बाद फिर पृपागारों से वो अपनी चीजें क्लियर पॉइंट रखें और उसके बाद ये दोनों जो फ़ैन है मिल के मुस्लिम लीग नून से अपनी चीज़ें रखें इसी तनाजुर में शाम शाह की एक मुलाकात कल एक मरबा फिर होने जा रही है उन लोगों से जो सियासी लोगों से बशीर मेमन साहब का जो किरदार अभी सिंध में सदर का अहदा मिलने के बाद रहा है वो ये रहा है कि आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे अशखात सिंध में से मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं वो ये समझते हैं मेरे ज़राए कहती हैं कि उनकी सोच ये है कि वो समझते हैं कि बशीर मेमन साहब एक तो जो इदारे रहें एफ आई ए और बाकी इदारों में रहे और मुस्लिम लीग नून में शामिल तो हो लेकिन वो नुमाइंदे किसी और के हैं तो इसलिए उनके साथ जाना उनके जति मफाद में है तो बहुत सारे लोगों की सिंध में ये ख्वाह है जो अश खामोश बैठे हैं या खामोश बैठे थे सियासी तौर पर वो मायल हो रहे हैं बशीर मेमन की तरफ इस नुकते पे के बशीर मेमन किसी ताकतवर इदारे के नुमाइंदे हैं एक चीज़ ये दूसरी चीज़ ये है कि बशीर मेमन के साथ या बशीर मेमन जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वो उनका जो किरदार सिंध के हवाले से है वो एक सवाल निशान है वो ये है कि पिछले दिनों पिछले हफ्ते नार्थ सिंध से एक अहम शख्स हैं तेगो खान तेगानी वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं उसके अलावा बाकी लोग कुछ ऐसे ही किरदार वाले वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रहे हैं अब तेउान क्या हैं तेउ खान के हवाले से एक राय ये है कि सिंध में खास करके जो नॉर्थ सिंध है वहाँ जो क्रिमिनल फैक्टर है फैक्टर्स है जो सरगर्म है या जिनको पैदा किया गया क्रिएट किया गया वहाँ वडेरे को काबू करने के लिए वहाँ बासर लोगों को काबू करने के लिए और कभी न कभी उनको अपने मफादात के इस्तेमाल के लिए तो ये किरदार पैदा किए जाते हैं सिंध में पहले भी पैदा किए जाते रहे अभी भी पैदा किए जा रहे हैं जिसका मकसद ये है कि इन लोगों के ज़रिए वहाँ उस इलाके को उस उन इलाके के जो बासर अफराद हैं और अशखास हैं उनको कंट्रोल किया जाए काबू किया जाए और तैयू खान के हवाले से तो ये भी है कि ये इल्ज़ाम है कि वहाँ जो अगवा की वारदातें होती हैं उनके हवाले से एक इल्ज़ाम पिछले दिनों ये लगा था कि बलूचिस्तान से कुछ लोग अगवा हुए और बलूचिस्तान के जो वो कबीला था जिसके लोग अगवा हुए उन्होंने सिंध में आके धरना दिया था और इल्ज़ाम ये है कि तेगो खान ने वो उनके लोग वापस भी कराए और उस बलोचिस्तान के कबीले को जुर्माना देकर अपनी जान छोड़ाई अब सूरत हाल ये है कि तेवु खान इस जमात में शामिल तो हो गए बाकी भी कुछ किरदार हैं जो मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून सियासी हल की तरफ जा रही है या पाकिस्तान के जो मसाइल के हल हैं या सूबों के मसाइल के हल हैं वो मियाँ साहब चाहते हैं कि वो करप्शन फ्री क्राइम फ्री डाकूराज फ्री ये चीज़ें होनी चाहिए आइन की पासदारी कानून की पासदारी दूसरी तरफ पाकिस्तान पीप्स पार्टी का मुतबाद ये ढूँढा जा रहा है कि ऐसे किरदार मुस्लिम लीग नून में शामिल किए जा रहे हैं या जिन पे किसीन किसी न किसी हवाले से कोई न कोई ठप्पा लगा हुआ है क्राइम का तो फिर मुस्लिम लीग नून का असल चेहरा सिंध में क्या क्रिमिनल वाला होगा या सियासी होगा ये आ, मुकाबला है विद इन सूबा के कुछ अशखास की कोशिश है कि जो सियासी चेहरे हैं उनको शामिल किया जाए इतहाद और कुछ ऐसे किरदार हैं क्योंकि उनका जो किरदार माजी में रहा है एफ आई ए में और बाकी इदारों में वो उसी डगर पर हैं कि ताकत के बलबोते पर वो क्रिमिनली क्यों ना हो उनको पार्टी में शामिल किया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतबाद बनाया जाए अगर ये हल है तो मेरे ख्याल में इससे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर नहीं है अगर हमारा ये विलाग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक दीजिएगा आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में तब तक इजाज़ दीजिएगा अल्लाह